गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर चैप्टर्स जो आपने पढ़ चुके हैं। उसका रिवीजन भी हो गया है, आज फिर से रिवीजन करना है क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्ट हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है। लैंड ट्रांसपोर्ट में मालूम है ना कौन कौन से हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट्स की आपको पिक्चर दे रखी है ना, स्क्रीन पर क्या आ रही है, आपको पिक्चर्स आ रही है। हम कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट से क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से है। लैंड ट्रांसपोर्ट फर्स्ट नंबर पे क्या है, टेम्पो। टेम्पो आपने देखा है ना, देखा है टेम्पो, देखो इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? हाँ, ये अपने नरसिंहगढ़ में भी है। आपके पानी का कैंपर आता है ना, मालूम है वो किस में आता है, टेम्पो में आता है। कुछ छोटे व्हीकल, छोटे सामान है ना, छोटे सामानों को लोड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टेम्पो का। सेकेंड नंबर पे क्या, ऑटो रिक्शा। देखा है ना, ऑटो रिक्शे में तो आप लोग सभी आते हो, कहाँ आते हो, स्कूल आते हो, कहाँ आते हो, स्कूल आते हो, तो आपको ऑटो रिक्शा का तो मालूम है क्योंकि आपके नरसिंहगढ़ में वो ऑटो रिक्शा चलता है। थर्ड नंबर पे क्या है, क्या है थर्ड नंबर पे, ट्रैक्टर। क्या है, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या होता है, अधिकतर कहाँ यूज़ किया जाता है, गाँव में, विलेज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्रॉप को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, क्रॉप को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है, या क्या होता है, सामान को भी लोड कर सकते हैं उसको ना, ले जाने के लिए। फोर्थ नंबर पे क्या है, स्कूटी। स्कूटी क्या है, स्कूटी भी यूज़ की जाती है आपको थोड़ी कम समय में यूज़ करने के लिए, कहीं पास में जाना है तो स्कूटी। आपके घर में भी क्या स्कूटी होगी तो आप तो मालूम है। फिफ्थ नंबर पे टैक्सी। टैक्सी अपने यहाँ नहीं चलती, टैक्सी बड़ी सिटियों में, बिग सिटियों में चलती है, जैसे मुंबई, भोपाल, इंदौर में टैक्सी चलती है। वो क्या होता है, रेंट पर, रेंट रहता है ना, किराए पर चलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टैक्सी का। जैसे आपको कहीं आपके फ्रेंड के यहाँ मिलने जाना है, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, ठीक है, तो आप किससे जाओगे, टैक्सी है ना। और क्या है, बाइसिकल, ये तो आप सभी के पास होगी, इससे तो आप स्कूल भी आते हो ना बाइसिकल से, हाँ, तो ये क्या है। और फिर क्या है, मेट्रो। मेट्रो कहाँ होती है, मेट्रो कहाँ है, अभी कोलकाता में है, अपने भोपाल में भी मेट्रो का ट्रैक बन रहा है। मेट्रो या तो अंडर ब्रिज भी हो सकती है या ओवर ब्रिज भी हो सकती है ना। ये मेट्रो है, ये मेट्रो अपने यहाँ नहीं चलती है, ये बड़ी सिटियों में चलती है, भोपाल में भी स्टार्ट होने वाला है, अभी टाइम है, पर कहाँ चलती है, ये कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलती है। तो ये कुछ क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट के। आपने पिक्चर देख ली है ना, इसको अच्छे से देखना है, इनकी स्पेलिंग्स याद करनी है आपको, क्या करना है, मेट्रो ट्रेन की स्पेलिंग्स अच्छे से, सभी की अच्छे से स्पेलिंग याद करनी है, इसको 5-5 times आपको लिख। अब स्टूडेंट, ये पिक्चर दिख रही है आपको, फैक्ट विश, क्या है ये पिक्चर दिख रही है आपको, किसकी पिक्चर है ये, केमल की। केमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में, कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। क्या है, केमल्स हैव कुशंस लाइक पेट्स ऑन देयर फीट, द पेट्स स्प्रेड एज ए केमल्स वॉक, दिस हेल्प द केमल टू ग्रिप द लूज सैंड, दैट इज वाई केमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड। क्या है, केमल हैव क्या है, केमल के पैर कैसे होते हैं, कुशन की तरह फैल जाते हैं उसके, है ना, पेट्स ऑन देयर फीट, उसके पैर जो होते हैं वो रेतों पे है ना, द पेट स्प्रीड एज ए केमल वॉक, जब केमल वॉक करता है, जब चलता है ना, तो उसके पैर कैसे हो जाते, फैल जाते, कैसे हो जाते, कुशन की तरह ना। क्या होता, अपन डेजर्ट में चलेंगे, अपन रेतों में चलेंगे ना, कहाँ सैंड में चलेंगे, तो क्या वॉक करेंगे तो आपके पैर धंस जाएंगे, क्या होगा, नीचे उसमें सैंड में क्या होता जाएगा, नीचे अंदर चले जाएंगे। पर केमल जब उस पर चलता है, वॉक करता है, तो क्या होता है, जो उसके पैर है ना वो क्या हो जाते हैं, कुशन की पेड़ होता है एक फॉर्म की तरह, फैल जाता है, क्या होता है, वहाँ उस पर फैल जाता है, तो उसके पैर अंदर नहीं धंसते। दिस हेल्प द केमल टू ग्रिप द लूज सैंड, मतलब वो क्या है, सैंड में अपनी क्या ग्रिप बना लेता है पैरों की, क्या करना था, ग्रिप बना लेता है। दैट इज वाई केमल कैन वॉक इजीली इन सैंड, केमल क्या करता है, बिल्कुल आसानी से वो कहाँ, डेजर्ट में, कहाँ, सैंड में, मीन्स सैंड मीन्स रेत पर, इजीली क्या कर सकता है, वो वॉक कर सकता है ना।
अब क्या है अपने अभी तक क्या केमल, केमल्स का मालूम पड़े आपको। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आते हैं, दो, टू लैंड ट्रांसपोर्ट, कौन से, रोड एंड रेलवे ट्रैक्स, क्या होता है ना। अब क्या पढ़ना है आपको, क्या करना है, एक बार रिवीजन करना, अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है, आप सीख जाओ। अब सेकेंड है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर मीन्स क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट मालूम है ना। एयर मीन्स क्या होता है, एयर मीन्स होती है हवा, है ना। एयर मीन्स क्या होती है, हवा। एयर मतलब हवा, मतलब स्काई, बादलों में, स्काई में चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा कहलाता है, एयर। एयर ट्रेवल स्टार्टेड नियर ए 100 ईयर्स एज। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट मालूम है ना। एयर मीन्स क्या होती है, हवा होती है। एयर में चलने वाला मतलब स्काई में चलने वाला, तो स्काई में कौन से ट्रांसपोर्ट चलते हैं, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। एयर ट्रेवल स्टार्टेड नियरली 100 ईयर्स एगो, मतलब क्या है, ये बहुत समय से चल रहा है ना। नियरली मतलब पास में, आपको यूज़ कर सकते हो इसको। एन एरोप्लेन इज ए वेरी फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, वेरी फास्ट है, क्या है, एरोप्लेन। आपको कहीं बाहर अदर कंट्री में जाना है तो क्या फास्ट है। पीपल यूज इट टू गो फ्रॉम वन सिटी और कंट्री टू अनादर्स, क्या है, एक सिटी में ही दूसरी सिटी से जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी आप एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अनादर कंट्री में भी आप किससे जा सकते हो, एरोप्लेन से, क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस से और शॉर्ट टाइम्स, ठीक है, क्या है उसमें दूरी तो लंबी है पर उसमें एरोप्लेन से क्या लगता है, समय कम लगता है, आप कम समय में ही वहाँ पहुँच सकते हो। इसको एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जा सकते हैं, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी जा सकते हो आप, एक वन कंट्री तो अनादर कंट्री में भी जा सकते हो आप, है ना। पर वहाँ पर क्या होना जरूरी है, एरोप्लेन होना। एरोप्लेन कहाँ पर लैंड होता है, कहाँ पर लैंड होता है एरोप्लेन, बस होती है बस स्टैंड पर, है ना, ट्रेन होती है रेलवे स्टेशन पर, एरोप्लेन कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। तो वहां पर क्या होना जरूरी है, एयरपोर्ट होना जरूरी, ठीक है। एरोप्लेन आर ऑल्सो यूज टू सेंड लेटर एंड गुड्स, एरोप्लेन्स क्या होते हैं, गुड्स को भी ले जाना लाना, है ना, यूज उसका कर सकते हैं, सामान को भी ले जा ला सकते हैं, उसमें उसका यूज किया जा सकता है। ए हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी ए फ्यू पीपल्स, इट इज ऑफ्टेन यूज टू टेक फूड एंड मेडिसिन टू पीपल इन टाइम ऑफ नीडेड। हेलीकॉप्टर का यूज़ क्या होता है, किसी फास्ट चीज़ में, किसी जल्दी से आपको यूज़ करना है, कहीं जैसे बाढ़ आ जाती है ना, कहीं पर बहुत कम समय में, कहीं पहाड़ी इलाकों पर, कहीं हिल्स स्टेशनों पर, कहीं पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी चीज़ को आपको मेडिसिन वहाँ पर पहुँचानी है, फूड मतलब खाना वहाँ पहुँचाना है, और तो आप किसका यूज़ करेंगे, हेलीकॉप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं अधिकतर, है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर कहीं पर भी लैंड हो सकता है ना। उसका एरिया क्या होता है, रिमोट एरिया, एक छोटी सी जगह में ही वो क्या हो सकता है, लैंड हो जाता है, उसके लिए एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना। और उसमें पीपल्स मतलब लोग भी कम बैठते हैं, 4 से 5 लोग ही उसमें बैठ सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट, इसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है। एयर ट्रेवल स्टार्टेड नियर से 100 ईयर्स एगो, एन एरोप्लेन्स इज ए वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पीपल यूज इट टू गो फ्रॉम वन सिटी और कंट्री टू अनादर। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो यूज टू सेंड लेटर्स एंड गुड्स। ए हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी ए फ्यू पीपल्स, इट इज ऑफ्टन एंड यूज टू टेक फूड एंड मेडिसिन पीपल्स इन टाइम्स ऑफ नीड। अभी क्या पढ़ा था, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में ही कुछ पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स आप देखो स्क्रीन पर दिख रही है आपको, पिक्चर्स क्या है, फर्स्ट पिक्चर किसकी है बताओ जल्दी से, फर्स्ट पिक्चर एरोप्लेन की है, वेरी गुड। सेकंड पिक्चर किसकी है, सेकंड पिक्चर हेलीकॉप्टर की है। तो क्या लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन्स कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम्स, क्या है, एरोप्लेन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मीन्स क्या होता है,
दूरी, लंबी दूरी पर जाने के लिए और शॉर्ट टाइम मतलब कम समय में पहुंचने के लिए किसका यूज करते हैं? एरोप्लेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एरोप्लेन का करते हैं, है ना। या आपको कहीं जाना है, जैसे आपके फ्रेंड है कहाँ पर है, चलो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में है और आपको उससे मिलने जाना है, आपको मिलने जाना है, तो आप किससे जाओगे, किस ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे आप, बताओ किसका? ट्रेन का, बस का, शिप का या एरोप्लेन का? एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन का यूज, क्योंकि एरोप्लेन में बहुत किलोमीटर, बहुत हजारों किलोमीटर भी जाने पर कितना कम समय लगता है आपको, क्या है, शॉर्ट टाइम लगता है। एंड सेकेंड पिक्चर किसकी है? हेलीकॉप्टर्स। किसकी है? हेलीकॉप्टर की। आपको दिख रहा है एरोप्लेन कितना बड़ा है, दिख रहा है पिक्चर में, एरोप्लेन तो बड़ा है पर हेलीकॉप्टर क्या है? छोटा है। तो एरोप्लेन में क्या है? पैसेंजर, मोर पैसेंजर, अधिकतर पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं ना। और हेलीकॉप्टर दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा नहीं, हेलीकॉप्टर में कम पैसेंजर बैठ। हेलीकॉप्टर कैन रीच रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मीन्स कहाँ है? रिमोट एरिया मतलब कहीं भी पास में, कहीं भी, चाहे स्पेशल बहुत जरूरी काम आ गया है वहां पर आप किसका यूज करते हैं? हेलीकॉप्टर का, है ना। उस रिमोट एरिया में, उस जगह में वो एरिया रहता है जहां पर जाना है, जैसे बाढ़ भी आ गई है, कुछ बहुत फास्ट बहुत जरूरत है, पर आप किसका यूज करेंगे? हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे, है ना। तो उसमें क्या है, बहुत कम लोग बैठ सकते उसमें, 4 से 5 ही लोग बैठ सकते हैं। अब ये पिक्चर है, बहुत अच्छे से देखना, में कुछ दे रखा है वो आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है बच्चों, है ना, आपको याद होना चाहिए, है ना। अभी तक क्या पढ़ा हमने? लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ चुके हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, तो आपको बहुत अच्छे से रीड करना। अब क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। क्या होता है? वाटर मीन्स पानी। तो वाटर ट्रांसपोर्ट, अर्ली ह्यूमंस मेड राफ्ट्स टू ट्रेवल्स ऑन वाटर। टुडे पीपल्स यूज बोट, स्टीमर एंड शिप। हैवी गुड्स आर कैरीज बाय शिप। क्या है? अर्ली ह्यूमंस मतलब पहले के लोग किसका यूज करते थे? राफ्ट। क्या होता है राफ्ट? ये होता है जो लकड़ी के मोटे मोटे गट्टे होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे होते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे गट्टों को, गोल 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 गट्टे रहते हैं उनको, वुड के, उनको ज्वाइन कर लेते हैं वो, ठीक है। उस ज्वाइन करके फिर उसको क्या बोलते हैं? राफ्ट बोलते हैं उसको। उसको नदी में चलाते हैं ना, पानी में, रिवर्स में चलाते हैं। और उससे पहले के लोग, पहले नाव भी नहीं होती थी, स्टीमर भी नहीं होता था, बोट कुछ भी नहीं होता था। तो इसमें लिखा अर्लियर ह्यूमन, मतलब पहले के लोग राफ्ट का यूज करते थे उसको, ट्रेवल ऑन द वाटर, पानी के में जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह उनको, है ना, रिवर्स को क्रॉस करना है तो राफ्ट का यूज करते थे। टूडे पीपल्स पर आज के लोग यूज बोट, स्टीमर एंड शिप। आज के लोग कहीं जाना है तो बोट का यूज करेंगे, स्टीमर का यूज करेंगे, शिप का यूज करेंगे। बोट तो मीन्स मालूम है ना, बोट तो अपने यहाँ भी है, नरसिंहगढ़ में भी है ना, छोटे तालाब बड़े तालाब में क्या है ना, बैठे हो कि नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो तो बैठना है ना, यहाँ पर बोट है। पेडल बोट कौन सी होती है? पेडल बोट भी होती है, एक वो हाथ से चलाने वाली भी बोट होती है ना, सब अलग अलग तरह की होती है। स्टीमर, स्टीमर मालूम है ना, स्टीम से चलता है, उसमें भी कुछ लोग बैठ सकते हैं, है ना। एंड शिप, शिप तो बहुत बड़ी होती है, शिप तो जहाज होता है, शिप में तो बहुत पैसेंजर बैठ सकते हैं, जा सकते हैं ना। हेवी गुड्स आर कैरी बाय शिप्स। हेवी गुड्स मतलब भारी सामान, जो भारी सामान होते हैं उनको एक जगह से कैरी मतलब ले जाना, किसके द्वारा? शिप के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? कार्गो शिप बोलते हैं ना। तो ये क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत क्या था? अलियस हुमन मेड राफ्ट टू ट्रेवल्स ऑन वाटर। टूडे पीपल्स यूज बोट, स्टीमर्स एंड शिप्स। हैवी गुड्स आर कैरी बाय शिप। अब ये तो मालूम है पहले के लोग राफ्ट का यूज करते, पर अब के लोग कहीं जाना है आपको, जैसे भोपाल जाना है तो भोपाल में क्या है? लेक व्यू है ना। आप वहाँ पर बोटिंग करते हैं, करते हो कि नहीं? देखी होगी ना, बोट है वहाँ पर, क्रूज है ना, सब है वहाँ पर, स्टीमर है, शिप नहीं है, है ना। शिप कहाँ होती है?
जहाँ पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पर बंदरगाह होते हैं, वहाँ शिप होती है, क्योंकि शिप जहाज बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, तो बहुत सारे सामान भी लोड हो जाते हैं, ये तो मालूम है। अब शिप के लिए आपको जहाँ पर बंदरगाह है, वहाँ जैसे गुजरात में पोरबंदर है ना, चेन्नई वगैरह, वहाँ पे मुंबई, यहाँ पर है बड़े, जहाँ पर समुद्र है, जहाँ सी है, वहाँ पर शिप है ना, वहाँ आप देखना, आप घूमने जाओ तो जरूर देखना। हेवी गुड्स मतलब भारी सामानों, और केरी बाय शिप, उसमें लोड भी कर सकते हैं, उसमें ले जाते हैं, केरी कर सकते हैं। तो आपने वाटर ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया है, अब कुछ पिक्चर्स हैं उनकी है ना, आप पिक्चर्स भी बताएंगे क्या है। लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करना है, रीड करना है इसको, पूरे चैप्टर को पढ़ना है, फिर अपन क्या करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में देखो पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है, देखो टू पिक्चर्स दे रखी है, देखो सीधा पिक्चर, ए शिप्स दैट कैरी गुड्स एंड कॉल्ड ए कार्गो शिप्स। गुड्स मीन्स क्या होता है, अभी पढ़ाया था ना आपको, सामान होता है, उस सामान को लोड करने ले जाने में वो एक शिप, उस शिप को कौन सी शिप बोला जाता है, कार्गो शिप बोला जाता है, कौन सी शिप बोला है, कार्गो शिप। सेकेंड पिक्चर किसकी है, ए लॉन्च, क्या है ये लॉन्च, इसको बोलते हैं लॉन्च, इज यूज टू कैरी पीपल्स एंड व्हीकल्स क्रॉस लेक और रिवर्स, इसको क्या बोला जाता है, लॉन्च बोला जाता है, और इसमें लोगों को यानी पीपल को क्या होना होता है, लोगों को और व्हीकल्स मतलब वाहनों को क्रॉस लेक एंड रिवर्स मतलब नदी को पार करने में, लेक मीन्स क्या होता है, तालाब को पार करने में, क्रॉस करने में क्या है, किसका यूज किया जाता है, लॉन्च का। तो आप इसको बहुत अच्छे से सब पिक्चर देखना, सब बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों, है ना। ओके अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चेक पॉइंट, क्या पढ़ेंगे, चेक पॉइंट। अब ये आप ही को बताना है चेक पॉइंट, क्योंकि आपको पढ़ाया ना अभी लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सभी पढ़ाया ना आपको। अब इसी से चेक पॉइंट बने हैं, आप चेक पॉइंट में आपको टिक लगाना है, बताना है बस, बस किससे कहाँ चलती है, बस कहाँ चलती है बच्चों, बस एयर में, वाटर में, रेलवे ट्रैक पर या रोड पर, कहाँ चलती है, रोड पर, वेरी गुड। सेकंड, ट्रेन, ट्रेन कहाँ चलती है, जल्दी बताओ बच्चों, एयर, वाटर, रोड या रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, वाह वेरी गुड। थर्ड, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है, वाटर, रेलवे ट्रैक्स, रोड या एयर, एयर, वाओ सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया है। बोट, बोट कहाँ चलती है, कहाँ चलती है बोट, एयर, रेलवे ट्रैक्स, रोड या वाटर, वाटर में, पानी में चलती है बोट, हाँ है ना, पानी में चलती है बोट। आपको मालूम है केरल में भी रेस होती है, बोट रेस होती है, फेस्टिवल होता है ना, तो क्या है आपको मालूम है, बस कहाँ चलती है, रोड पर, ट्रेन कहाँ चलती है, रेलवे ट्रैक्स पर, एंड हेलीकॉप्टर्स कहाँ चलता है, एयर में, और बोट कहाँ चलती है, वाटर में। तो ये क्या हो गया, चेक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, 5 टाइम लिखना है इसको, मैच बनाना है, मैच करना है ना। ओके अब आप लोगों ने सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, रीड करना है, याद करना है, अब अगला नेक्स्ट वीडियो में।